पश्चिमी यूपी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन होने जा रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाले आयुर्वेद महासम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महासम्मेलन में देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य लोगों को निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क इलाज के साथ ही दवाइयां भी देंगे। 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य और 1200 छात्र छात्राएं भी शामिल होने जा रही हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यहां पर मौजूद रहेंगी, 300 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य 1200 छात्र यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इसका मकसद आयुर्वेद को बढ़ावा देना है ये कहा गया है। तो मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसका महासम्मेलन। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। उमेश के मर्डर से पहले ही असद को बचाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। वारदात के वक्त असद के मोबाइल फोन की लोकेशन लखनऊ में दिखाई गई, जानबूझकर मोबाइल लखनऊ के फ्लैट में छोड़ने की रणनीति बनाई गई। वारदात के वक्त असद के एटीएम से भी पैसे निकाले गए थे, असद के करीबी से एटीएम का इस्तेमाल करवाया गया था। उमेश पाल की हत्या के वक्त असद को कार में रखने का भी प्लान था, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। उमेश के घर में घुसने के बाद असद के कार से निकलने की भी जानकारी सामने आई। और इस बीच प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे से कुछ युवकों ने मुलाकात की थी। अली से 24 फरवरी को कुछ युवक मिलने के लिए गए थे, अली का दोस्त बताकर युवकों ने मुलाकात की थी। मुलाकात करने गए युवकों के बारे में पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। 24 फरवरी को ही उमेश पाल की हत्या यहां पर हुई थी और 24 फरवरी को ही अली से मुलाकात की गई है कुछ युवकों की तरफ से। अली का दोस्त बताकर ये युवक उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचते हैं। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे से युवकों ने मुलाकात की। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के पश्चिमी यूपी में होने के इनपुट मिले हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम के भी पश्चिमी यूपी में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, जांच एजेंसीज कर रही है। अतीक अहमद के रिश्तेदार और उससे जुड़े लोगों पर भी नजर यहां पर बनाई हुई है। असद और हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार हो रही है। असद और गुड्डू मुस्लिम पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित है। तो ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। एटा से बड़ी खबर मिल रही है। एटा में मकान की छत गिरने से हादसा हो गया है। मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। मकान की छत गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।